नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। अयोध्या का दीपोत्सव पिछली बार काफ़ी सुंदर दीपोत्सव अयोध्या में मनाया गया था। इस बार भी योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है कि ये दीपोत्सव ऐतिहासिक रूप से मनाया जाए, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। इसके लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी है। पर्यटन विभाग ने इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। त्रेता युग में 12 साल के वनवास और रावण पर विजय के बाद भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। तब वहां के लोगों ने दीप जलाकर अपनी खुशी जताई थी। उसी की याद को ताज़ा करने के लिए पिछले साल योगी सरकार द्वारा अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव देश दुनिया में सुर्खियां बना था। इस बार यह आयोजन और भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। आपको बता दें कि इस बार का दीपोत्सव और खास होने वाला है। अब की दीपोत्सव में कई बातें खास होंगी। मसलन पिछले साल वहां 170,000 दीपक जले थे, इस बार ये संख्या करीब 3,00,000 होगी। यह खुद में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इस तरह पहली बार वहां विदेश से खास मेहमान आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन की पत्नी किम युंग सुग दीपोत्सव की खास मेहमान होंगी। उनके साथ दक्षिण कोरिया से आने वाला सांस्कृतिक दल रामलीला का मंचन करेगा। इस अवसर पर निकलने वाली झांकियों में कोरिया की झांकी खास होगी। किम वहां कोरिया की रानी ह्यो की याद में 50 करोड़ की लागत से बनने वाले स्मारक की बुनियाद भी रखेंगी। माना जाता है कि रानी ह्यो अयोध्या की राजकुमारी थी। उनका मूल नाम सूरी रत्न था। कोरिया के राजकुमार किम सुरो से शादी करने के बाद उनका नया नाम पड़ा। उनके नाम से बना स्मारक दोनों देशों के पुराने रिश्तों का प्रतीक बनेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।